नमस्कार जनट्री, मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस महागठबंधन की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि इलेक्शन में क्या रंग आएगा। लेकिन 7 चरण में वहां मतदान हो गया, 23 तारीख को काउंटिंग हो गई और काउंटिंग के बाद महागठबंधन 78 सीट पे चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 15 सीट पे सफल रहा। लेकिन ये बात सही है कि लगातार यही निगाहें अभी भी टिकी हुई थी सियासी गलियारों में कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन चलेगा कितने दिन तक। गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था, आरएलडी भी साथ में था और एक मंच पे आना एक बड़ी बात लग रही थी, लेकिन इसके सियासी मायने भी काफी लग रहे थे कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की अपेक्षा की गई थी एसपी बीएसपी और आरएलडी के माध्यम से, वैसे रिजल्ट आए नहीं। लिहाजा गठबंधन टूटना तय लग रहा था। आखिर मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कह दिया है कि हमारी राहें अलग हैं, डिंपल और अखिलेश मेरा बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जब डिसिप्लिन आ जाएगा तो एक मिशनरी रूप में वर्कर सामने आएंगे तो हम साथ में आएंगे और वापस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में 11 विधानसभा सीट पे जो बाई इलेक्शन होगा उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो चलिए हम एक बार आपको मजमून दिखाएंगे, मजमून के बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ बीएसपी के राजस्थान प्रवक्ता विष्णु कुलवाल साहब हैं, श्रवण देवाल भाजपा नेता हमारे साथ में है, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आया सपा बसपा गठबंधन अब राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए आखिरकार खत्म हुआ। मंगलवार को बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से गठबंधन की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि आगे गठबंधन की जरूरत होगी तो सपा के साथ वे फिर से खड़ी होगी। वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती के इस फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर गठबंधन टूट गया तो इस पर गहनता से विचार किया जाएगा। अगर उपचुनाव में गठबंधन मिलकर नहीं लड़ा तो समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार रहेगी। सपा सभी 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि सपा ने एक अच्छा मौका गंवा दिया, सपा में सब सुधार की जरूरत है। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, हम अपने लीडर से सभी से राय मशवरा करेंगे उसके बाद फैसला लेंगे और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत। सपा बसपा गठबंधन खत्म होने को लेकर बीजेपी ने इस पर तंज कसा। भाजपा ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए गठबंधन का यही हाल होना था। भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि मोदी ने गठबंधन खत्म होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा था कि सपा बसपा रालोदा गठबंधन की एक्सपायरी डेट 23 मई है। ये गठबंधन टूटेगा इसका भविष्यवाणी हमने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महीनों पहले किए थे, क्योंकि इस गठबंधन में कोई इसमें जनता के लिए कुछ नहीं था, ये केवल अपने फायदा के लिए राजनीति कर रहे थे। भारत की राजनीति में कई गठबंधन टूटे हैं और कई बार फिर से जुड़े हैं। वैचारिक मतभेद के बावजूद राजनीतिक फायदे के चलते गठबंधन बने रहते हैं। सपा बसपा का गठबंधन भी राजनीतिक फायदे के आधार पर था जो कि पूरा नहीं हो सका। ऐसी स्थितियां भाजपा की सहयोगी जेडीयू के साथ भी होती दिख रही है और लग रहा है कि यहां भी गठबंधन की राजनीति कुछ समय बाद दम तोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले अपने बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों को सुना और इसी बीच बीजेपी कह रही है कि हमें पहले से मालूम था कि एक्सपायरी डेट महागठबंधन की 23 मई है। चलिए कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब,
गठबंधन इतनी जल्दी टूटा तो उसके बाद एक मैसेज ये जा रहा है कि केवल स्वार्थ के लिए गठबंधन बना था। ऐसा कुछ भी नहीं योगेंद्र जी, ये सोच अपना अपना बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन था वो गठबंधन चुनाव के बीच में था, चुनाव भी आगे भी गठबंधन, ये नहीं कहा गया कि ये गठबंधन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि बहुजन जो समाजवादी पार्टी है वो अपने कैडर बेस को स्ट्रॉन्ग करे, इस कारण से कि अगर आपको ये पहले बता दें कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन 5-3 उसके अंदर सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। लगभग ये इसी नीति के तहत अभी बात है कि बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव लड़ेगी 11 बाई इलेक्शन विधानसभा की। अभी ये पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि यह गठबंधन खत्म हो गया, गठबंधन आगे नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि अभी जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस पर गठबंधन को मजबूत करने के लिए उन्होंने हिदायत दी है अखिलेश यादव जी से कि जाके अपने संगठन को मजबूत करे और फिर यह गठबंधन आगे भी चल सकता है। ये हमने ये नहीं कहा कि आज गठबंधन टूट गया है, और आगे आने वाले समय में भी ये पता पड़ेगा 2022 और 2024 में भी। मगर अभी जो 11 बाई इलेक्शन हो रहे हैं जिस प्रकार से हमने इनको समर्थन दिया था उसी पर ये लोग भी, ये पार्टी भी हमें समर्थन करेगी, ऐसा हमारा सोच है और हमारी पार्टी के नेता का ये विचार। तो चलिए, भरोसा है विष्णु कुलवाल साहब को कि बिल्कुल गठबंधन अभी भी रह सकता है, कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन वो सुलझा लिए जाएंगे। कुछ नसीहत और नजीर के रूप में कहा गया है कि मायावती ने अखिलेश को, हालांकि अखिलेश ने बड़े ही इसका काउंटर विनम्र उसमें किया है कि जो कुछ वो कह रही हैं उसका भी स्वागत है और कहीं कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात बड़ी रोचक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ बातें ये इस तरह की निकल करके आ रही थी जो मुझे जड़ दिखाई देती है कि एसपी का वोट मायावती के साथ में गया लेकिन जो मायावती का वोट बैंक था वो एसपी के साथ में नहीं गया, और यही वजह रही कि एसपी के 3 दिग्गज जो मुलायम परिवार के सदस्य हैं वह भी इस चुनाव में धराशायी हो गए, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव यानी कि बदायूं, फिरोजपुर और एक बिजनौर सीट, जो तीनों सीटें जो हैं वह सीट हार गई। तो ये एक बड़ा झटका रहा समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अब मायावती ने काउंटर किया है कि समाजवादी पार्टी का यादव वोट वो बीएसपी के साथ नहीं आया और यही बड़ी कमी है, इसे दुरुस्त करना चाहिए, अगर दुरुस्त करेंगे तो हमारे रास्ते वापस एक हो सकते हैं और नहीं तो हम हमारे अलग अलग रास्ते पे हैं। चले श्रवण जी हमारे साथ में। श्रवण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी एक बात कह रही है कि यह तो होना ही था और इसकी एक्सपायरी डेट 23 मई ही थी जो हमें पहले से ही लग रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मर्तबा मंच के माध्यम से महागठबंधन को मिलावटी गठबंधन बताया, लेकिन अभी भी बीजेपी के जो दावे किए जा रहे हैं उसको मायावती भी खारिज कर रही है। साफ कहना है कि हमारी राय अभी जुदा है लेकिन हम एक भी हो सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, वैसा ये सब जो गठबंधन है ये गठबंधन था और पब्लिक ने ये मानस बना लिया था कि जिस तरीके से राजनीति में शुद्ध राजनीति और सुचिता की राजनीति को लेकर भारत की जनता ने, यूपी की जनता ने गठबंधन जहां जहां था वहां ये तय कर लिया कि स्थायी सरकार कौन दे सकता है और हिंदुस्तान में अच्छे कार्य का विकल्प लेके कौन आ रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को, जो समाज की और एक समुदाय की राजनीति करने वाले लोगों को, एक करारा जवाब जनता ने दिया। ये एक्सपायरी डेट जो है ये यूपी की जनता ने करार करी है और जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो किसी के झांसे में ना आके आज जिस प्रकार की देश में, आज जिस प्रकार की राज्यों में जिस तरीके की राजनीति की जरूरत है, जिस तरीके की राजनेताओं की जरूरत है, उनको वोट दिया गया, उस चीजों से ऊपर उठ के कहीं एक लामबंद जो होता था वोटर, वो लामबंद न होके अब एक काम करने वाले लोगों को वोट देने की मानस जिस तरीके से बनाए, आप सबने देखा है, ये जनता ने एक्सपायरी डेट डाल दी। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था कि अब भारत में
किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति स्थानीय पार्टियां, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब में वो लोग जिनके साथ थे जो एक स्थायी सरकार दे सकते हैं, वो गठबंधन जीत के आए। और जो वोट काटू प्रत्याशी जो थे, चाहे वो बसपा के हो, चाहे सपा के हो, चाहे अन्य किसी पार्टी को, देखिए आप यूपी का ही उदाहरण ले लीजिए। यूपी में हम अपना दल के साथ थे, दोनों सीट जीत के आए, और कहीं भी अपन शिवसेना के साथ थे, महाराष्ट्र में वो जीत के आए, वेस्ट बंगाल में हम लड़ रहे थे, सक्रिय पार्टी को हरा के आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कारण रहा था, जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 46% वोट मिले। उस 46% वोट जब मिला था, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने एक उसी टाइम निर्णय लिया कि हम इस वोट परसेंट को बढ़ाएंगे और हम जनता के बीच में इस बात को लेके जाएंगे। उस बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने कैडर बेस कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया, कार्यकर्ताओं को काम करने का तरीका दिया, कार्यकर्ताओं ने जाके जनता में काम किया, और जनता में काम करके जो 50% वोट इस लोकसभा चुनाव में लेके आए, ये उसी बात का परिणाम है। और इस जनता का भी ये मानस बन गया था कि स्थायी सरकार किस तरीके से बनता है। मैं बिल्कुल ये आपकी बात से सहमत हूँ, ये एक्सपायरी डेट जो है ना बिल्कुल नहीं, मेरी बात नहीं है, मेरी ओर से नहीं है स्टेटमेंट। चलिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जानना चाहता हूँ कि अगर दूसरे दल गैर भाजपाई अगर कोई गठबंधन करते हैं तो मिलावटी गठबंधन है, स्वार्थों का गठबंधन है, और बीजेपी अगर किसी से करती है तो वो स्वार्थों का गठबंधन नहीं है। तो ये चीज मैं आपसे निवेदन करूं, ये चीज हमने साबित नहीं करी है, ये देश की जनता ने साबित करी है कि कौन मिलावटी थे और कौन, जिन जो मिलावटी थे उनको नकार दिया और जो सही थे उनको आगे बढ़ा दिया। और सही किस विजन में, देश के विकास के विजन में जी, जी। देश तो ये माना जा सकता है कि जिन दलों के साथ में भाजपा का अलायंस है वो आजीवन है, हमेशा रहेगा। नीतीश कुमार के और आपके बीच भी तलखियां सामने आ रही हैं। इससे पहले महबूबा मुफ्ती के और आपके बीच में जम्मू कश्मीर में जब आप लोग गठबंधन किए थे तो वहां भी इस तरह की स्थिति बनी थी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपका गठबंधन रहा, वो छोड़ के चला गया। जीतन राम मांझी आपके साथ में सहयोगी बने, वह छोड़ के चले गए। शिवसेना और आपके बीच में पिछले दिनों बड़ी तलखियां रही, हालांकि मैं मानूंगा कि एक समझदार घड़ी थी ये, और समझदारी का आप लोगों ने परिचय भी आप लोगों ने दिया आपस में, खासकर शिवसेना की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। तो ये गठबंधन तो मुझे लगता है कि हितों को साधने का बंधन होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आपकी पार्टी को किस तरह से बचा पा रहे हैं, आपकी पार्टी के वर्कर को आप कैसे सत्ता में सेट करने जा रहे हैं, यह एक मूल मंत्र है। जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का जो एजेंडा है, मुझे लगता है वह भी गौण है। आप ये देखते हैं कि बत्तियां कितनी हैं, जिस पार्टी के मुताबिक अपने एजेंडे में जो चीजें बैठती हैं वही मुझे लगता है गठबंधन है इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है कि एनडीए के जो लोग हैं वो बिल्कुल हमेशा के लिए जुटे रहेंगे, और जो यूपीए के साथी हैं या फिर महागठबंधन के लोग हैं वह हमेशा पहली सीढ़ी पे वो खारिज कर दे जाएंगे। परिस्थितियां इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के अनुकूल रही और मतदाता ने भरोसा किया भाजपा पे। अनिल हमारे साथ में है। अनिल, एक चीज मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि गठबंधन को लेकर के क्या ये कहा जा सकता है कि हाँ बिल्कुल विचार, क्यों गठबंधन अगर कहीं किसी का होता है तो आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज कह सकते हैं आप। आइडियोलॉजी तो एक जैसी हो ही नहीं सकती, अगर आइडियोलॉजी एक जैसी होगी तो पार्टी उसमें विलय कर देंगे। देखिए बिल्कुल यूपी की चर्चा चल रही है, लेकिन राजस्थान की भी जिक्र कर दूं कि हनुमान बेनीवाल को एनडीए में घटक दल के रूप में लिया गया। पहले भाजपा से विधायक चुने गए थे, पार्टी से निष्कासित किया गया और निर्दलीय होकर चुनाव भी लड़े। सदन में भी देखा गया और सदन के बाहर भी देखा गया कि हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के ऊपर काफी हमला बोला है, लेकिन उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एनडीए के साथ हैं, लेकिन अभी ये संकेत भी दे दिया, अभी इस्तीफा देकर वो बेनीवाल विधानसभा अध्यक्ष को देख रहे हैं, साफ तौर से कहा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे वो अपनी पार्टी को पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो ये जो गठबंधन रहा है ये लोकसभा चुनाव के लिए बेनीवाल ने किया। उत्तर प्रदेश की बात करें, अब गठबंधन टूट रहा है, माना जा सकता है कि शायद मायावती को लग रहा हो कि उनका जो पार्टी का वोट बैंक था वो छिटक गया, क्योंकि पिछले चुनाव के जो नतीजे देखे गए, वोट बैंक अपना प्रतिशत उस वहां पर देखा गया, और देखा गया कि अगर सपा और बसपा मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उनका वोट बैंक आगे जा रहा है।
लेकिन सीटें नहीं आई थी। मायावती को शायद ये सोचना पड़ेगा कि इस बार तो सीटें आई हैं, शायद गठबंधन का एक परिणाम भी हो सकता है कि उनके लिए सुखद नतीजे वहां पर आए हैं, लेकिन सपा और बसपा दोनों पार्टी शायद इस नतीजे से खुश नहीं है। उम्मीदें ज्यादा थी, उम्मीदें शायद उनकी पूरी नहीं हो पाई है, तो यही वजह लगता है कि दोनों जो पार्टियां हैं अब शायद अलग अलग राह पर चलती दिख रही है। बिल्कुल अनिल, वजह यही है, जब गठबंधन को टूटता है तो उसमें साफ दिखाई देता है कि स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही, इस वजह से गठबंधन टूटा। लेकिन खोने को मुझे लगता है कुछ नहीं रहा। मायावती के पास में पहले पिछले 2014 के चुनाव में शून्य था, अब 10 सीटें जीती हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। श्याम जी, गठबंधन की राजनीति देश में चल तो रही है, बात सही है, और ये ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा को 303 और एनडीए को 350 सीट मिलने की वजह से अब आगे कभी गठबंधन करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा या कोई इसकी हिमाकत नहीं करेगा। गठबंधन है, लेकिन गठबंधन कब किसका साथ छिटक जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आज चर्चाएं मायावती समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की हो रही है, जिसपे चर्चाएं की जा रही है, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि बीजेपी के साथ में जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं अभी, जिनसे एनडीए बना है, कि वो हमेशा टिकी रहेंगी? देखिए, गठबंधन तो टूटने के लिए होता है, गठबंधन हमेशा स्थायी रूप से नहीं होता। कोई भी पार्टी स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने आप का वजूद बढ़ाने के लिए गठबंधन करती है, और मायावती जी ने तो क्योंकि पहले भी गठबंधन किया था और वापिस से दूसरी बार गठबंधन किया था, पिताजी ने कहा था भाई संभल के करना क्योंकि मैं पहले भुगत बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं माने बेटा, बस गठबंधन हो गया। गठबंधन होने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव लोकसभा चुनाव में मायावती ने 10 सीटें जीती और उन्होंने 5 ही जीती, क्योंकि पहले भी इंडिविजुअल लड़ने के बाद भी 5 जीती थी। अब मायावती जी ने समीक्षा करने के बाद कहा कि भाई हमने, हमारे लोगों ने तो वोट दिया हमको, लेकिन हमको यादव ने वोट नहीं दिया, इसका परिणाम हमको मिला है और ये ठीक नहीं है। अब हम जो विधानसभा का जो आने वाला जो उपचुनाव होगा इंडिविजुअल लड़ेंगे, मतलब यहाँ तो बात अलग है। मायावती जी को पता है कि 11 विधायकों के जो सांसद बने हैं उनके इस्तीफे होंगे और 11 के उपचुनाव होंगे, ऐसी स्थिति में क्योंकि मायावती बिल्कुल साफ हो गई थी उत्तर प्रदेश से, इसलिए वो अपना वजूद बनाए रखने के लिए अगर हम वहाँ पर क्योंकि इंडिविजुअल रूप से चुनाव लड़ूंगी तो फिर से वापस से कुछ सीटों पर जीत करके अपना वजूद कायम कर लूंगी, इसलिए इस गठबंधन में तो दम रहा नहीं, और गठबंधन हुआ तो हमको सीटें बंटवारे में देनी पड़ेगी आधी आधी हम दोनों, इसलिए हम पूरी 11 सीटों पर चुनाव लड़ करके फिर देश को बताएंगे कि बीएसपी में विश्वास उत्तर प्रदेश में है जो कि लौट के आएगा, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मायावती चाहती हैं कि फिर से वो बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करें यूपी में, क्योंकि 10 तो सांसद ले लिए, विधायक कुछ हो तो उनकी आवाज़ विधानसभा में उठे, क्योंकि विधानसभा में अभी है नहीं कुछ, इसलिए सारा सोची समझी चाल है। यही कारण है कि अब बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले कहते थे हुआ भतीजों में जो जोड़ गठबंधन हो रहा है वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, सही बात है चला भी नहीं, क्योंकि वो तो बीजेपी तो खुद भी भुगत बोली है कि दो दो बार गठबंधन करने के बाद जब सरकार बनाने का टाइम आया तो कभी मैं तो 6 महीने भुगत बोल रही हूँ, अब नहीं कर रहे आगे, तो ये सब चीज़ें क्योंकि अब आने वाले समय में विश्वास के प्रति जो आघात लगा है और इसका राजनीति में दूरगामी परिणाम होंगे, और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में अब कोई गैर राज्य जो अलग अलग दल दो गठबंधन में बनने से हिचकिचाएंगे और बहुत सोचेंगे कि क्या मायावती और एक मेरा छोटा सा सवाल होगा यहाँ पे, रीजनल पार्टीज की क्या ये कंडीशन अभी कही जा सकती है कि अपने दम पर वो चुनाव लड़ सके? लड़ तो सकते हैं अपने दम पे चुनाव, लेकिन बात यहाँ रिजल्ट की आती है कि रिजल्ट की सिचुएशन क्या रह सकती है, क्या रिजल्ट इस तरह का सामने आ सकते हैं जिसकी उम्मीद की जा रही हो, क्योंकि रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं हित होते हैं। अब यह जो गठबंधन टूटने की स्थिति है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात कही जा रही थी कि मायावती का जो वोट बैंक है वह समाजवादी पार्टी की ओर नहीं गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे यानी कि यादव मतदाता वह मायावती की तरफ चले गए, लेकिन मायावती ने आज इसको खारिज किया है। वो तो कह रहे हैं कि यादव वोट नहीं मिला, हमारा वोट उधर चला गया, तो क्योंकि गठबंधन तोड़ने के लिए कोई तो आरोप लगाओगे आप, क्योंकि अगर ये हो जाए कि दोनों के वोट बंटवारा सही तरीके से हुआ और यह भी कहा जा रहा है कि यादव 3 सीट नहीं बचा पाए,
इसका मतलब यादव साथ नहीं थे। हाँ, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से खड़े किए वो उनके उम्मीदवार नहीं जीत पाए, तो सीधे तौर पर कहा ये तो बेजोड़ गठबंधन रहा, हमको मिला नहीं, इसलिए वो समीक्षा कर रही है उन्होंने कल, और समीक्षा करने के बाद कहा कि अब विधानसभा का चुनाव इंडिविजुअल स्तर पर लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे कि मतलब यूपी में वापस से बीएसपी किस प्रकार से स्थापित हो और वो अपने आप को कह सके कि देखिएगा 11 सीटों पर लड़े हमने, इतनी सीट, अब कितनी सीटें जीतेंगे तो यूपी वासी बताएंगे, मतदाता वहां का निर्णय करेगा कि किसके पक्ष में किसके पक्ष में नहीं है। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, एक बार अनिल के पास जाना चाहूंगा। अनिल, कहीं भी किसी तरह की कोई पॉलिटिकल घटना होती है, क्या उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी जा सकता है? गठबंधन टूटने का असर आज नहीं कल, क्योंकि चुनाव हुए हैं अभी, इतना जल्दी कोई रिएक्शन आ नहीं सकता। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो सकता था कि कुछ राजनीतिक पंडित मान के चलते थे कि इनका रिएक्शन आ सकता है, अगर सीटें अच्छी आ जाती, जैसे मायावती मान के चलती कि करीब 20-22 सीटें मेरी आनी चाहिए, अखिलेश मान के चलते थे कि 20-22 सीट मेरी आएंगी, लेकिन वो सीटें आई नहीं अपेक्षा के अनुसार, तो क्या ये माना जा सकता है कि भविष्य में कुछ हालात और भी गठबंधनों के हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये तो इतिहास गवा रहा है, और जहां तक सीटों की बात है, अगर सीटें ज्यादा आती तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि गठबंधन अब तक टूट भी चुका होता, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती, और ये लड़ाई जो है पहले पीएम को रोकने की थी, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने, वो जंग थी सपा और बसपा की, और वहां पर कांग्रेस उनके साथ में थी, हालांकि कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी का एक तरह से बयान भी आया था कि वो पार्टियों के वोट बैंक को काट रही है, तो उस वोट बैंक को काटने की रणनीति में कांग्रेस रही, महागठबंधन को शायद ऐसा लगा होगा कि कुछ वोट बैंक वहां पर कटेगा और अपना जो वोट बैंक यहां मिलता है तो कुछ सीटें ज्यादा मिल पाएंगी, अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती, क्योंकि अब लड़ाई यूपी के अंदर मुख्यमंत्री पद की होगी, मायावती भी चाहेंगी कि अब उनकी पार्टी पहले की तरह वजूद लेकर, अच्छी सीटें लेकर आगामी विधानसभा जब चुनाव हो तो वहां पर वजूद कायम करे, समाजवादी पार्टी अपना वजूद नहीं छोड़ना चाहेगी, और यही वजह है कि इस उपचुनाव को दोनों पार्टियां बड़ी सीरियसली ले रही हैं। 11 सीटें जरूर हैं, लेकिन ये 11 सीटें जो हैं वो नतीजे जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव के यहाँ पर देंगी, और उसके अंदर पार्टियों की क्या भूमिका, क्योंकि लोकसभा चुनाव का देख लिया गया है गठबंधन कितना सफल यहाँ पर रहा और कितना असफल यहाँ पर रहा, लेकिन उसके बाद में भी विधानसभा चुनाव की रणनीति यहाँ पर ये पार्टियां शायद बनाती हुई दिख रही है, और ये भी लग रहा है कि शायद ये तय था पहले से ही कि ये जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए है, और आगामी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। चलिए, मैं एक बार आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं एक बार फिर श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा कि मायावती अखिलेश ने 2014 के परिणाम, उसके बाद हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम, क्या इसे किस तरह का कुछ आपको लगता है कि सबक नहीं लिया? अगर ये बिखराव में चुनाव लड़ते तो आपको लगता है कि 10 और 5 से भी सीटें घट सकती थी या बढ़ भी सकती थी? क्योंकि मतदाता निर्णय करता है, मतदाता ने जिस प्रकार का निर्णय लिया वो तो आपके सामने है, लेकिन ये तो मान के चल रहे थे कि हम तो जीतेंगे ही, और क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका देने वाले दोनों दल मिले इसलिए कारण थे कि जब बीजेपी को 73 सीटें थी तो हम यहाँ पर उनको 30-35 में निमट देंगे, तो वो क्या अगर यहाँ निमट स्थिति ये होती तो देश की स्थिति कुछ और होती, लेकिन क्योंकि स्थिति अलग थी कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, राष्ट्रवाद का नारा दिया गया और उसमें दोनों ही पार्टी सफल नहीं हो पाई, और अब उसका परिणाम है कि आप देखिए राहुल गांधी भी हारे क्यों, बीएसपी के कारण 85,000 वोट ले गया बीएसपी वाला, ये कह रहे थे कि हम तो राहुल गांधी को तो कम से कम सेफ रखेंगे, सोनिया गांधी को सेफ, दोनों को सेफ नहीं रखा इसलिए हार गया राहुल गांधी। अगर ये रणनीति सही तरीके से कांग्रेस से मिलकर के बनती तो निश्चित परिणाम कुछ और हो सकते थे, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में और तो कुल मिलाकर के सबक नहीं लिया, कुल मिलाकर के सबक नहीं लिया, हित को ऊपर रखा, पार्टी हित को नीचे किया, ये माना जा सकता है। इन्होंने पार्टी को जिस प्रकार से चुनाव लड़ने की रणनीति, तीनों पर सबको एक साथ संगठित होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, अगर मिलने के बाद फिर अलग हो सकते थे कोई बात नहीं थी, जब सीटें ज्यादा जीती जा सकती थी, वोट कटाव पार्टी वाली बात हुई ना जो प्रियंका कह रही थी, हुई यहाँ पर कि बीएसपी ने वोट काट दिए कांग्रेस के, इसलिए राहुल गांधी चुनाव हार गए, नहीं तो हारते नहीं चुनाव। चले, मैं आप लोगों के पास में लौटूंगा, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं महागठबंधन के बिखराव की। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से ठीक पहले महागठबंधन बना लेकिन टूट गया, यहां अगर बात करें संख्या में बेशक 10 बीएसपी
5 समाजवादी पार्टी, लेकिन 19% वोट बीएसपी को मिला और करीब 18% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। 1% का अंतर है, लेकिन सीट का अंतर 5 का है दोनों के बीच में। और आरएलडीबी तीसरी एक पार्टी शामिल हुई थी, लेकिन अजीत सिंह जी की बदकिस्मती कहें कि या कुछ भी कहें कि 2014 और 19 में वो खाता नहीं खोल पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। मैं एक बार फिर कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, हर घटनाक्रम का सियासत में कुछ उसके अपने एक मायने होते हैं, और ये कोई नहीं कह सकता, चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, कि बिल्कुल हमारा गठबंधन है हमेशा के लिए गठबंधन है, टूटना बहुत मुश्किल है। पार्टियां टूट जाती हैं, गठबंधनों की बात बहुत अलग है, लेकिन एक ऐसे वक्त पर यह गठबंधन टूटा है जो बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां, जो खासकर आरोप लगा रही थी समाजवादी पार्टी और बीएसपी पे कि लंबा नहीं है, आप उसे सत्य स्थापित करा रहे हैं। हालांकि मैं आपकी बात से, आप जो जवाब देंगे उससे सहमत हूं कि ये सब निर्णय ऊपर के होते हैं, हमें कार्यकर्ताओं को तो सूचित किया जाता है, लेकिन लगता है कि नाजुक दौर में इस गठबंधन के बिखराव को चुना है मायावती ने। देखिए योगेंद्र जी, अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि ये मां ठगों का गठबंधन है। पहली बात तो अब चुनाव हो चुके हैं, अपनी भाषा को संयमता से बोले। हम भी बोल सकते हैं इसी भाषा कि चुनाव में क्या नहीं किया आप लोगों ने, उस बात पे नहीं आना चाहते अभी हम। अभी जो बात हुई है, अभी जो बात चल रही है, वो गठबंधन के विषय में बात चल रही है। चाहे गठबंधन में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे 39 दल हो, और चाहे हम तो दो ही लोग गठबंधन में थे, हम कोई महागठबंधन में नहीं थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया कि महागठबंधन है, ये ठगों का महागठबंधन है, ये गठबंधन था, ये महागठबंधन नहीं था। तीन पार्टी, दो नहीं तीन, हाँ। तीन पार्टी का हमारा गठबंधन था और हमारा इससे ऊपर कोई गठबंधन नहीं था। आपको बंगाल वाली स्टोरी याद नहीं है, वहां जो हाथ मिला के खड़े हुए थे उसमें कितने लोग थे जो एक देश में विचारधारा गठबंधन की। अब यूपी की बात कर रहा हूं, बंगाल में बोल के आज बंगाल के बाद बंगाल वाले खड़े हुए थे, मायावती जी भी थे वहां, अखिलेश जी भी थे, सब एक साथ खड़े हुए थे। किस जगह खड़े हुए थे आपको ध्यान? आप बता दीजिए, मैं जाने बता दीजिए। सबने जो है देखिए, एक देश आप जो कर्नाटक की बात करना चाहते हो ना, वो मुझे याद है सब। आपको याद नहीं है, मुझे याद है। तो ये मत बोल के भाभी कह, सीएम ने बुलाया था सब लोगों को, सब लोग गए थे, उसमें क्या हो गया? आप नहीं जाते हो क्या? शपथ लेता तो इन्होंने शपथ लेने पे आप लोगों ने नहीं बुलाया क्या? आप तो जब भी बुलाया, आपने तो देश की जनता ने बोल दिया, विदेशी लोगों को बुला लिया। तो पहले अपने गिरिवार में जाके लीजिए। हम ये कहते हैं अभी जो बात, अभी जो गठबंधन की बात हो रही है, हम बोल रहे हैं कि जो अभी गठबंधन, जो आप जो लगातार टीवी चैनल इस बात को दिखा रही है कि ये टूट गया है, हमने अपनी भाषा को संयमता से लिया है। हमने कहा गठबंधन अभी जो सपा पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाए, कैडर बेस करे, इसके लिए उनके साथ कुछ समय के लिए हमने गठबंधन तोड़ा है। और अभी जो, जबकि हमने भी तो लोकसभा में उनको समर्थन दिया था, तो आज अगर 11 सीटों पे उनको समर्थन देते हैं तो इसमें और किसी पार्टी का मतलब नहीं है। और पार्टी को अपने घर में देखना चाहिए, हमारी पार्टी को सब क्यों देख रहे हैं? सवाल यह है कि एकदम मायावती जी ने स्पष्ट किया है, क्योंकि लगातार इस चैनल में दिखाया जाता कि उसका वोट कम मिला है, उसको वोट ज्यादा मिला है, उसके लिए उनको आना पड़ा। उनको बोला कि अभी जो हमें जो गठबंधन तोड़ा था, जो दिखाई दे रहा है वही दिखा रहे हैं चैनल। तो मैं कल जो बोल रहा हूँ, मायावती जी आज क्यों आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? वो अपनी स्थिति स्पष्ट करने ही आई थी। तो मेरा निवेदन ये है कि इतना इसको बड़ा चढ़ा के दिखाए नहीं। आज हो सकता है दो भाई घर में झगड़ा करते, दो भाई कल एक हो जाए। तो सवाल है कि आज गठबंधनों की जो भी सरकार होती है और गठबंधन में जो लोग आते हैं, अब इस जगह मैं एकदम साफ बोल दूं आपको, हर आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए आता है गठबंधन में। जिस साढ़े चार साल तक शिवसेना ने बीजेपी को क्या क्या नहीं कहा और सामने में क्या क्या नहीं दिखाया, तो ये छोड़िए आज नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। तो गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए है और गठबंधन से ही अब ये देश की जो सरकारें है ना, ये तो अभी इसको अच्छा माने बुरा माने, जो 303 सीटें जीत के जो बोल रहे हैं, वक्त आने पर सब पता पड़ेगा गठबंधन की स्थिति जो है वो गठबंधन की सरकार है। ये कोई बीजेपी की अकेले की सरकार नहीं है और सरकार गठबंधन की आई है। सवाल है योगेंद्र जी, आज चुनाव के 5 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाई बन रही थी,
तो मैं कहा तो मैंने तो ये भी देखा था कि बिहार में पटाखे छोड़े थे इन्होंने और बाद में घर आगे बैठ गए थे। तो सवाल है ऐसी कौन सी मशीन लगी हुई इनके पास कि प्लस 350 दिख रहे थे इनको। सवाल है इस बारे में न जाके हमारी पार्टी अखिलेश जी का गठबंधन था, हमारा गठबंधन जितने भी दिन रात नहीं रहा, पहले अपने गठबंधन को ढूंढो, हमारे गठबंधन को बाद में ढूंढना। चले श्रवण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, आपने सुना विष्णु कुलवाल साहब को? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं वो गेस्ट कांड हुआ था, उसके बाद जो गठबंधन टूटा, फिर ये गठबंधन हुआ, फिर ये श्रवण जी भाई साहब उस समय बीजेपी लोग आए थे ना, जैसे आप लोग बोलते हो, आप लोग बोल रहे थे ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी समझ लो ना मेरी बात, समझ लो, आप लोग आए थे ना इस बात को बचाने, आए थे ना बीएसपी को आप बचाने आए थे ना, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को, लालजी भाई आए थे ना, आप राखी बांधी थी, राखी किसने बांधी थी, आपको गठबंधन की बात, आप अपनी पार्टी की बात को गठबंधन के, मैं अच्छा रहेगा, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मुझे उस बात को याद करके बड़ी खुशी हो रही है, वो बात कौन सी घटना को, पंडित दीनदयाल जी ने एक बात कही थी कि इस देश में जिस दिन वोट का टू प्रत्याशी, जिस दिन वोट का टू दल, उनको ये जनता नकार देगी, उस दिन इस देश में मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा और उससे चुनी हुई सरकार इस देश का भला करेगी, इस देश में विकास करेगी, इस देश में। श्रवण जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्रवण जी आपने दीनदयाल जी के लिए क्या किया, आपने सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति लगाई गुजरात में, वो तो कांग्रेस ही थे, आपके पार्टी के थे क्या, दीनदयाल जी की मूर्ति कहां लगाई आपने बता दीजिए, आप दीनदयाल जी का नाम लेते हो, काम दीनदयाल जी का नाम लेते हो, काम कहां करूंगा, मेरा एक सवाल है, पार्क में एक मेरा सवाल है श्रवण जी से, श्रवण जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, हमने शताब्दी मनाई पंडित दीनदयाल, बहुत अच्छी बात होना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी मनाना चाहिए, आप उसको याद करना चाहिए, जो पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी पे चलती है उनको मनाना चाहिए और आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, चिंतन याद 300 से 2 से 300 3 तक लेके आए, आपने वोट कटाने की काटने की चिंता को लेकर हनुमान बेनीवाल को साथ ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, और क्या कारण क्या है, वो आइडियोलॉजी कहते थे कि आप काम हो जा रहा है, तो सीएम ने कहा है कि मैं राष्ट्रवाद को देखते हुए वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, पूरा देश मेरा सवाल को उत्तर दे दीजिए, एक मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत लंबा नहीं है, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया है तो मेरा एक क्वेश्चन पूछना बड़ा लाजमी हो गया, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये कुछ लिखा हुआ है, मुझे ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कब लिखा, कहां लिख दिया इन्होंने, मेरे को पता नहीं, आपका तो मैं नहीं कह सकता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मैंने पूरा पढ़ा हुआ है कि वोट काटो लोग जब आएंगे लोकतंत्र में, ऐसा तो कहीं उन्होंने उल्लेख ही नहीं किया कि वोट कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल उन्होंने द्विचक्रीय चुनाव की भी बात करी है, उन्होंने वोट काटो प्रत्याशी की, बताओ मेरे को कौन से कब कौन से वॉल्यूम में उन्होंने लिख दिया, कब लिख दिया, मैं आपको बता सकता हूँ, एकात्म मानववाद की जो सर एकात्म मानववाद मुझे पता नहीं कि बीजेपी कितने लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन मैंने पढ़ा है एकात्म मानववाद, मैं आपको मूल चीज किस वॉल्यूम में कहा क्या लिखा हुआ है वो भी बता सकता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने पढ़ा, मैं चाइना की राष्ट्रवाद को भी मैंने इस इलेक्शन के दौरान पढ़ा, मैं जानना चाहता था कि राष्ट्रवाद कैसा है चीन के अंदर जिसका जिक्र हो रहा है, जापान को भी मैंने पढ़ा, तो श्रवण जी ये बात मैं मानता हूं आपको कि आपकी आइडियोलॉजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आधार पर है लेकिन बीजेपी उसे फॉलो नहीं कर रही है अभी भी, एकात्म मानववाद के वॉल्यूम 3 के 72 नंबर पेज के पैरा 4 में साफ लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता को जब लगे कि हमारा मुखिया गलत निर्णय कर रहा है इससे संगठन को समाज देश को खतरा होगा तो अपनी बगावत का बिगुल बजा देना चाहिए, हिम्मत है किसी में ऐसा कर सकता है कोई आज, बिल्कुल किसी में हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी में ये आप देख रहे हो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कौन कब कैसा और कौन सा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है कौन सा कार्यकर्ता, सर मैं ये नहीं कर रहा आप वहां मत लेके जाइए, मैं जो कह रहा हूँ गलत निर्णय संगठन में कई बार होते हैं कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, योगेंद्र जी उठा सकता है ऐसा भी, योगेंद्र जी मैं बताऊं आपको घेर बताऊं, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया इस वजह से मैं आपसे बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से जुड़े लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पे आए हम गठबंधन पे आए, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देखिए जिक्र मत करिए, उनकी सोच में कहीं गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी ना वो सत्ता की लोलुपता का
कहीं वो बखान कर रहे थे कि सत्ता के सिंहासन के लिए आपको ये रूट लाइन पे जाना चाहिए। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि उनका नाम मत घसीटिए इस मेरे ख्याल में इस डिबेट में, वो बहुत अलग दिशा में ले जाने वाले थे जो बीजेपी को चलना चाहिए था, नहीं चल पा रही है। मैं आपसे एक निवेदन और करूं कि जिस तरीके से एक माहौल तैयार हुआ देश में और उस माहौल को लेके जितने भी लोग थे, क्या पहले बसपा को या गठबंधन को एसपी को वोट नहीं मिलता था, लेकिन एक जो माहौल क्रिएट हुआ देश में, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, चाहे मजबूत सरकार देने का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कार्यशैली का हो, चाहे जनता में, जनता का नरेंद्र मोदी जी में फिर से विश्वास हो, ये सब चीजें एक अलग फैक्टर है। और इसमें सब लोगों का धन्यवाद भी होता है इस बात का कि लोगों ने इस बात को माना कि अब इस देश में, मैं फिर आपको फिर वही बात कहूंगा शरण जी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, ये प्रचंड बहुमत यही है कि जनता ने जनादेश दिया है, मोदी पे भरोसा किया है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें कोई देखिए, इसमें तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगने की कोई बात ही नहीं आती है, न कोई एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है इसमें, बिल्कुल ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल बहुमत मिला है और विश्वास जता है, तभी तो बहुमत मिला है। चले मैं एक बार श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, कोई भी राजनीतिक दल कैसे भी कहे कि नहीं हमने साहब देश विकास के लिए, राष्ट्र के लिए हमने हाथ मिलाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, आप अपने स्वार्थों के लिए हाथ मिलाते हैं। राजनीतिक दलों का या सीधा सपाट एक जो दिखाई देता है वो है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, भी कोई नहीं होता है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में सिर्फ ये होता है कि मिनिमम लोगों में कॉमन चीजें क्या होंगी, हमें उसे फॉलो करना है। अब हो पाता है नहीं हो पाता है, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन का असर कहीं दूसरी जगह भी पड़ सकता है, दिखाई दे सकता है? क्योंकि गठबंधन टूटते हैं, कहा जाता ना कोई घटना होती है तो पड़ोस में भी उसके असर दिखाई देता है, क्या बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां भी कुछ इस तरह के हालात बन सकते हैं? देखिएगा, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने जैसे ही केंद्र में, जब इनके गठबंधन में शामिल नहीं हुए सरकार में, तो उन्होंने अपने हाथ मंत्रिमंडल का विस्तार किया और वहां पर बीजेपी वाले किसी को नहीं लिया, अपने 8 लोगों को शामिल करके दिखाया कि देखिए कि आपने वहां लिया, मैं भी अधिकार रखता हूं, मैंने यहां ले लिया। फिर उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100% पड़ेगा, क्योंकि 8 आपने ले लिए। बीजेपी का समझौता था कि हमारे और दोनों के शामिल हो, और वो चाहते थे कि हम भी यहाँ पर रखें, नीतीश कुमार 2 चाहते थे, 1 देना चाहते थे कैबिनेट। तो ये सारी चीजें विवाद का विषय है, और आने वाले लोग जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खिचड़ी जो पक रही है वो सामने आएगी, इसमें दो राय नहीं है। यूपी में भी सब विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है, अब विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन जिस तरह से सफल होना चाहिए था उसमें सफलता हाथ जितने चुनाव तो दोनों मिलकर लड़े। पहली बार मायावती ने शेयर किया और मुलायम सिंह जी के साथ भाषण भी दिए, दोनों तीनों भी साथ साथ गए, कई जगह सारी बातें हुई, कोशिश की गई कि देखिएगा कि एक नई चीजें आई है सामने, क्योंकि बीजेपी को हमको हराना है, लेकिन कांग्रेस को साथ नहीं ले पाए। अगर कांग्रेस को साथ लेते तो निश्चित रूप से कुछ माहौल में परिवर्तन आ सकता था, सीटें पहले से ज्यादा जीत सकते थे, लेकिन कांग्रेस खुद भी नहीं मानी, वो ये जान के चल रही थी कि हम तो 10-12 जीतेंगे। अब जब 1 पे आ गए, 2-1 पे आ गए, तो उनको भी समझ में आया कि गठबंधन अगर समय पर किया होता तो कुछ परिणाम कुछ और हो सकते थे। तो ये बहुत सारी देखिए, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा श्याम जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बेशक राजनीतिक दलों में दूसरे लोग गैर भाजपाई कितने भी आरोप अमित शाह नरेंद्र मोदी पे लगाएं, लेकिन उनके कुशल प्रबंधन का मुझे लगता है लोहा मानना चाहिए। जिन राज्यों के अंदर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल घड़ियां थी, लेकिन वहां पे फिर भी स्ट्रगल किया उन्होंने, मालूम था कि केरल में हम नहीं जीत सकते, लेकिन केरल में खाता खुलवा दिया, चुनाव लड़ाया उन्होंने। वेस्ट बंगाल के अंदर ये लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम है, लोगों को लग रहा था, लेकिन टीएमसी के बराबर अपने आप को खड़ा कर दिया, मात्र 6 सीट का अंतर है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बिल्कुल यहां गठबंधन के बिखराव तमाम चीजें हैं। आज भी मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश हो, केवल चुनाव मुद्दा नहीं होता है, आपको अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के रूप में भी आप लोगों को खड़ा रहना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, सत्ता के लिए, सत्ता के गलियारों में नहीं है हम, लोकसभा या विधानसभा में नहीं है, लेकिन बाहर हमारी मजबूतियां, हम आंदोलन करके सरकार की कोई कमी है तो उसे पूरा करेंगे। ये बात मैं इस वजह से कोट कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी 2014 से 19 मई तक का जो सफर किया उन्होंने 5 साल का, मुझे नहीं लगता कि प्रतिपक्ष की कोई भी पार्टियां कोई मजबूत आंदोलन खड़ा कर सकी, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि वहां के लोगों की स्थिति देखिए, एक आवाज बनी थी, तो ये एक बड़ा अभाव कहा जा सकता है इससे।
तो अब तो गठबंधन करें चाहे कोई भी गठबंधन करें, लेकिन अभी प्रतिपक्ष की भूमिका मजबूत बनी रहे ताकि सरकार पे प्रेशर बने, क्योंकि संख्या बल के आधार पे सरकार के ऊपर आज के दिन में कोई प्रेशर नहीं है। और बिल्कुल जब जनता ने भरोसा किया है तो बिल्कुल पूरी आजादी के साथ में उन्हें काम करने का निर्णय का भी बिल्कुल स्वतंत्रता है, वो अपने अंदाज से करेंगे। जब नफा नुकसान इन्हीं लोगों को भुगतना है, लेकिन फिर भी आपके पास में एक बड़ा राइट होता है कि आप जन आंदोलन की भूमिका में आ सकते हैं। इस बिखराव से क्या आपको लगता है कि ये कड़ियां भी कमजोर होंगी? देखिए, लोकतंत्र में क्योंकि वोट बहुत अहम भूमिका निभाता है और आपने वोटों को कब्जे में कर लिया, तो इस स्थिति में ये बात तो सही कि 5 साल में तो आप केंद्र में रहेंगे, आपके पास शासन का एक बहुत बड़ा उपयोग आप कई चीजों में करते हैं और वो देखने को मिल रहा है कि आपने लेफ्ट को साथ लेकर के बीजेपी का बना करके चुनाव लड़ाया आपने, और आपने पश्चिमी बंगाल में कब्जा करने की कोशिश की। जो पहले लेफ्ट जिस प्रकार से था वो पहले कहाँ चले गए थे, अब थोड़े से उपजे तो उन्होंने खुद ने लेकर के, ये बड़ा अलग तरह का होता है। देखिए त्रिपुरा में किस प्रकार की स्थिति बनी, गोवा में किस प्रकार की स्थिति बनी, तो ये सारी चीजें क्योंकि सत्ता में अगर केंद्र में आप होते हो तो उसका सदुपयोग करते हो, और सदुपयोग करते हुए कई चीजों में आप देखिएगा कि मायावती जी के ऊपर भी कई चीज चलाई होगी इन्होंने, पहले भी चलाई और बाद में भी चलाई, क्योंकि जब यूपी का चुनाव जीतना था नोटबंदी की, नोटबंदी का असर किस पे गया? मायावती जी पे और सपा पे गया सीधे तौर पे। सपा पे क्योंकि 500 करोड़ रुपए थे, एक नंबर में थे, मायावती जी के पास कम थे, मायावती जी इसमें चक्कर में आ गई तो बहुत कुछ बिखर गया उनके पास जो कुछ था। तो ये सारी चीजें सत्ता में रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हो, और प्रचंड सत्ता जब आपके पास होती है तो बहुत कुछ और कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बोलने वाला कोई होता ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, वो तो एक बात है। में बोलेगा नहीं, ये हमारे लेकिन एक लोकतंत्र में एक आंदोलन भी हमारे एक हथियार के रूप में दिया है, विपक्ष की पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हो, आंदोलन की भी अपनी एक अहम भूमिका है, क्योंकि आजादी के अंदर एक आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति में था। कई जगह पे विधायक अपनी सत्ता के खिलाफ ही धरने पर बैठते हैं जब उन्हें लगता है कि अन्याय हो रहा है, तो एटलीस्ट ये एक बिखराव जो है ये तो माना जा सकता है कि कमजोर कड़ी साबित होगा आने वाले दिनों के लिए भी। देखिए योगेंद्र जी, जैसे राजस्थान में अभी आज ही निपटा है मामला, टोंक वाला मामला था, अब वहां विधायक की वजह जातिवाद को लेकर के पनपा वो विवाद, और आप जाति जीती और लोकतंत्र हारा, क्योंकि वहां पर सरकार कुछ नहीं कर पाई, समझौता भी करने गया था तो वही जाति वाले गए थे, जिसको मंत्री है वही को भेजा गया। तो यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार से मोदी के कहने से जातिवाद टूटा नहीं, ये बात सही है कि मोदी को वोट पड़ा, अब जातिवाद इसलिए रहा कायम, आपने जाट भी खड़ा किया, उन्होंने भी जाट खड़ा किया, तो कहां जातिवाद टूटा? जीते तो आप ही के जीते, दोनों जीते। आज भी जो स्थिति है देश में जातिवाद जितना पनप रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और लोकतंत्र में कोई भी पार्टी उससे अछूती नहीं है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई बीएसपी हो, सपा हो, सब जाति के आधार पर चुनाव लड़वाते हैं, कैंडिडेट भी जाति के आधार पर कर करते हैं। ये परिणाम अब देखिएगा, दोनों कह रहे हैं कि यादव के वोट नहीं मिले, वो कह रहे हैं एससी के वोट नहीं मिले हमको, ये सब गठबंधन टूटने का कारण भी रहा कि अगर प्रचंड तरीके से जीत जाते तो कहते देखिए कितना बड़ा गठबंधन हमने किया, और आने वाले लोकसभा चुनाव तो हो गए, विधानसभा के चुनाव में हम पूरे साथ सत्ता में आएंगे और चलाएंगे। तो एक अलग अलग चीजें, हार जीत का बहुत बड़ा असर गठबंधन पर पड़ता है, वो पड़ रहा है, ये नेचुरल है। कुलवाल जी तो मूल रूप से बीजेपी के थे, बीजेपी से निकले, अब इनको तो पता भी नहीं है कि जितने कर्मठ और जिस प्रकार से काम करते रहे, और आज ये बीएसपी कर्मठ तो आज भी है नहीं, बीएसपी में क्यों गए? इनकी भी तो पीड़ा कोई सुने, लेकिन क्योंकि आप क्योंकि बीएसपी से जुड़े हुए हैं और बीएसपी की बात कहेंगे, बहन जी को आगे लाना है, बहन जी को जिताना है, मजबूरी है इनकी भी। राजस्थान में तो जिस तरह से हुआ, 6 लोग हैं, अब कह रहे हैं कि हम तो अशोक जी के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया वहां जाकर, वो तो बहन जी आप करो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। बहन जी ने भी कहा ठीक है, मायावती ने कह दिया है कि राजस्थान मध्य प्रदेश में बीएसपी का सरकार के साथ सहयोग अंदर, अंदर हो सकता है, अंदर आ जाए सरकार के अंदर, तो गठबंधन फिर पक्का हो जाता है, क्योंकि मंत्री रहेगा तो फिर वो कामकाज चलता रहेगा, तो फिर 5 साल तक टूटता नहीं है मामला। तो यहाँ भी अगर होता कि अगर अभी क्योंकि कम लोग जीते, अब वहां ये हो सकता है कि केंद्र में कौन दल का नेता बने वो विवाद बाद में बनता, क्योंकि वहां विवाद का विषय नहीं रहा, इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ इस गठबंधन के टूटने से संदेश जाएगा, और अन्य पार्टी भी अब गठबंधन करेगी तो बड़ी सोच समझ के करेगी। अनिल, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे,
गठबंधन कोई भी, मैं एक एसपी या बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, महबूबा और बीजेपी का भी टूटा गठबंधन, आम पब्लिक कितना सीरियसली लेने लगी अब गठबंधनों को? देखिए बिल्कुल विचारधारा की अगर लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की अलग है, बसपा सपा की विचारधारा अलग है, सीरियसली तो लेती है, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी लोकसभा चुनाव में देखा गया, महागठबंधन भले ही विपक्षी खेमों को कहा गया, लेकिन भाजपा के साथ में जो गठबंधन की वाली जो पार्टियां थी वो ज्यादा सीरीज में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। एक माहौल लगा पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में और वोट बैंक की जो गणित यहाँ पर बैठती हुई थी कि उनके पक्ष में कहीं ना कहीं वो जोर तोड़ दिखा। जैसे राजस्थान की बात थी, बीजेपी के पक्ष में माहौल जरूर था, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ये ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार रही है उसके पक्ष में ज्यादा सीटें रही हैं, लेकिन जो माहौल भाजपा के पक्ष में कहें या मोदी के पक्ष में कहें, उस माहौल में लग रहा था कि कांग्रेस की सीटें टूटेंगी, कांग्रेस के पास में 5 या 7 से 8 सीटें आ जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी में 25 सीटें चली जाएंगी। लेकिन बीजेपी नहीं, बात गठबंधन की करें यहाँ पे, अगर गठबंधन की स्थिति साफ की जाए तो जनता कितना सीरियस लेती है, या महज एक सुर्खियां होती है, अच्छा अखिलेश और मायावती का गठबंधन टूट गया, महबूबा और बीजेपी का गठबंधन टूट गया, कि ये तो होना ही था, क्या ये कोई हैरानी लगती है पब्लिक को कि हाँ ये तो रूटीन है, ये तो लग ही रहा था टूटेगा? अगर आज बीजेपी के साथ में उपेंद्र कुशवाहा छिटक के चले जाते हैं, जीतन राम मांझी चले जाते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, तो एक खबर हो सकती है, चले जाते हैं तो मैं बता रहा हूं, तो एक खबर होती है कि हाँ नीतीश और उनका गठबंधन टूटा, या शिवसेना अलग हुई, कांग्रेस के साथ में जो लोग हैं वो अलग हो गए, तो कुछ हैरानी जैसी चीज भी लगती है कि ये माना जाता है कि ये तो स्वार्थों का गठबंधन था, इतना ही लंबा चलना था। जनता सबको समझती है, जनता को पता है कि गठबंधन किस वजह से किया गया है, कितना स्वार्थ है, और ये भी जानती है कि कितने दिन तक ये जो गठबंधन है वो चलने वाला है। हाँ ये जरूर है कि 2 और 2 4 वोट बैंक में नहीं तब्दील होते, कुछ लोग हैं जो गठबंधन करने के बाद में ये देखते हैं कि अपनी पार्टी का गठबंधन इस पार्टी से हुआ है तो वोट देना चाहिए, लेकिन अधिकतर ये देखने में आया है कि जो वोट बैंक सपा और बसपा का माने दोनों का जोड़ कर देखे तो उतना जोड़ नहीं बैठता है, कुछ अलग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं, या फिर उनका विचार वोट देने तक ही पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये कुछ सीरियसली मैटर कहे जा सकते हैं। जनता को सभी पता है कि किस तरह का गठबंधन हुआ है, आगे होने वाला है, और ये गठबंधन किस वजह से किया गया। तो चलिए, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, और खास खबर में हमने बात गठबंधनों की, और ये बात इस वजह से रिलेवेंट रही कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले 3 राजनीतिक दलों का मिलकर बना, एसपी, आरएलडी और बीएसपी, वो हालांकि कोई स्थिति साफ नहीं है, हालांकि मायावती ने ये बात जरूर कह दी है कि जब स्थितियां बनेंगी तो हम वापस से शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कह दिया है कि 11 विधानसभा सीट का जो बाई इलेक्शन होगा उसकी तैयारी में जुट जाए। स्थिति इस तौर पर साफ कही जा सकती है कि गठबंधन टूट रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।